हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा BMW S1000RR 2023 एडिशन का ब्रेक टेस्ट। जैसा कि आप जानते हो, मैं हर एक बाइक का कोशिश करता हूं ब्रेक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से बाइक स्पीड पकड़ती है उसी तरीके से बाइक का रुकना बहुत जरूरी होता है। बाइक अगर टाइम से रुकेगी नहीं तो गेम इज ओवर, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैंने जैसे कि अपनी कावासाकी ZX10R का ब्रेक टेस्ट किया था, उसी तरह अपनी BMW S1000RR का भी ब्रेक टेस्ट किया जाए और पता करें कि आखिर मैक्स टू मैक्स 100 की स्पीड से ये कितनी दूर जाके रुकने वाली है। अगर हम एक्सप्रेस वे पे हैं, 100 की स्पीड पे जा रहे हैं और 100 की स्पीड पे हमें पैनिक होकर सडन ब्रेकिंग करनी पड़ जाए तो कितनी दूर जाके ये BMW रुकने वाली है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर हमें भी पता नहीं रहेगा और गेम कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए आज हम टेस्ट करेंगे इसका ब्रेक। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जब मैंने कावासाकी ZX10R का ब्रेक टेस्ट किया था तो कितने फुट स्टेप मैंने काउंट करे थे कि 100 की स्पीड पे वो उतनी दूर जाके रुकी थी। पुराना वाला वीडियो आज हम देखेंगे और रिकॉल करेंगे कि वो ज़्यादा बेटर थी कि ये ज़्यादा बेटर है। तो गाइज, ये वो वीडियो है और इसकी क्लिप मैं डाउनलोड करके डाल दे रहा हूँ। फिलहाल मैं चेक करते रहूँ कितना गैप आया था। ये 100 की स्पीड, 100 की स्पीड, खड़ा हो गया भाई मैं इस बार। एंड इस बार मैंने थोड़ा सा पहले रोक दिए, थोड़ा सा डिफरेंस आया है क्योंकि मैं पीछे वाले ब्रेक पे खड़ा हो गया था। इसको बंद करते हैं, कदम गिनते हैं। देखो R15 में 35 या 37 कदम थे, यहाँ देख लेते हैं कितना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, भाई 100 की स्पीड पे 33 कदम। सो गाइज, 100 की स्पीड पे 33 कदम आए थे। फिलहाल चेक करते हैं कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है। परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखी रखी होगी यूट्यूब पे, बट इससे पहले शायद ही किसी ने ब्रेक टेस्ट करके दिखाया हो कि ब्रेकिंग कैसी आती है इसकी। अपन दिखाएंगे ना, अपन है इस काम के लिए। सो गाइज, ग्लव्स पहन लेते हैं, राइडिंग जैकेट हमने पहनी ली है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। और ये वाली रोड पे हम इसलिए आए क्योंकि ये रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, बीच बीच में आती हैं और चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो हमें बीच बीच में जो खाली पैच मिल जाएगा उसमें हम ये काम कर लेंगे इजीली। देख लो मीटर इतनी देर में आता है भैया, अब आया। गाड़ी हमारी फ्यूल अप भी दिखा रही है भैया कि टैंक रिजर्व लेवल पर रीच हो चुका है, जल्दी से फ्यूल अप कराओ। देखो जैसे पूरा रास्ता खाली हो गया है ना। बस यही कह रहा था मैं कि इसी रोड पे हम ये ब्रेक टेस्ट कर पाएंगे और दूसरी रोड तो शायद ही कोई मिले जहाँ पे हम ब्रेक टेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं ये, इधर से घुमाते हैं गाड़ी। सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं, इधर से एक छोटा सा गाड़ी आ रहा है, ये चला जाए फिर हम करेंगे ब्रेक टेस्ट। चलो, 100 की स्पीड तो आई थिंक वहां तक पकड़ लेगी। सो गाइस, ऑलमोस्ट रास्ता खाली हो चुका है, इधर भी सारी गाड़ियां जा चुकी हैं, इधर भी सारी गाड़ियां जा चुकी हैं। तो पहला अटेम्प्ट हम करते हैं, चलो पहला अटेम्प्ट 60 पे ही करते हैं। कहाँ है ब्रेक? यहाँ पे। ओ भाई साहब, मतलब ABS ऑफ था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कदम दूर जाके रुकी 60 की स्पीड पे, लेकिन स्टॉप ही हुई है भाई। वो भी ABS ऑन होने के बावजूद। देखते ABS के लेवल वेवल तो नहीं है इस गाड़ी में। इतनी मस्त स्टॉप ही उठी है, प्यार से एकदम मक्खन जैसे लग रहा था कि एक ही पहिए पे चलती है गाड़ी। अब मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा रास्ता खाली होने के लिए। एक पैच तो हमें मिल गया, थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा 100 के लिए। मुझे पता नहीं था एक्चुअल में कि ब्रेक कहाँ मारनी है ना। इस बार काम करना, तुम हरी लाइन पे खड़ी रहना, मैं देख, हाँ खड़े रहना, जब मैं देख लूंगा तब तुम दौड़ते हुए पीछे आना ब्रेक मारने के बाद, ठीक है? नहीं तो मुझे कंफर्म नहीं हो पाएगा। वो भी ले आता हूं एक। ऐसे लहराना ऐसे झंडियां। सो गाइस, रास्ता बस फिर से खाली होने वाला है, जल्दी से। सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही, इधर से दो गाड़ियां आ रही हैं, ये निकल जाए रास्ता खाली, तीसरी आ गई। लोग अब थोड़ा और, 5 मिनट बढ़ गया हमारा। चलो बस हमें ब्रेक मारना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से 100 की स्पीड हम पकड़ सकते हैं इजीली। चलो गाइस, हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं, है ना।
क्या बात है, इस बार लेकिन फुल पोटेंशियल से मार नहीं पाया और मैं 80 या 82 ऐसे स्पीड तक पहुंचा था भाई। तो फुट स्टेप काउंट कर लेते हैं एक बार और। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 80 की स्पीड पे करीब आया है भाई 18 कदम। चलो भाई इस बार 100 की स्पीड पे ब्रेक टेस्ट हो रहा है, तगड़ा वाला एकदम। यही खड़े हो, यही खड़े हो, और थोड़ा किनारे ना खड़े हो, ना बीच में खड़े हो। आज थोड़ा सा गैपिंग हम ज्यादा लेने वाले हैं भैया, ताकि ब्रेक्स जो है प्रॉपर लग जाए। इधर से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है। चलो टेस्ट कर लेते हैं। पता ही नहीं चला यार, मुझे हरा निशान दिखा ही नहीं बिल्कुल। क्या बात है, मुझे लाइन ही नहीं दिखी भाई, मुझे रिजी दिखा, मुझे लगा लाइन के आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है। लाओ एक बार और ट्राई करना पड़ेगा मुझे, ये अटेम्प्ट फेल हो गया। टेंग 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 ना, पहले ये रोड जानते हो पूरी इधर से उधर बंद हुआ करती थी जब लास्ट में जुड़ी नहीं थी, लेकिन अभी क्या हो गया है ये देखो। फोटो खिंचाएंगे भाई, ये भी लग रहा है तगड़ी वाली। अरे 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 अरे, सो गाइस रास्ता हो चुका है खाली, अब चलते हैं। चलो भैया जल्दी से, सौ पहुंच गए, सौ पहुंच गए। बहुत ही तगड़ी ब्रेकिंग हुई है भाई, बहुत ही तगड़ी ब्रेकिंग हुई है। इस पत्ते के बराबर पहुंचा हूं, गाड़ी पहले किनारे करता हूं, फिर फुट स्टेप काउंट करता हूं जरा मैं। चलो अब फुट स्टेप काउंट करते हैं कि कितने स्टेप हम गए हैं। यार दूर है मतलब भर का ये भी। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अबे ये तो टेरार और इसका सेम आ रहा है यार, ये क्या भाई। एक और अटेम्प्ट कर लें, एक अटेम्प्ट और बनता है यार। फुल पोटेंशियल से अभी भी मुझे लग रहा है मैं ब्रेकिंग नहीं कर पाया हूँ। ब्रेकिंग की तो मैंने अच्छी, लेकिन हो नहीं पाई। तो एक अटेम्प्ट और करेंगे लास्ट, और उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट देंगे कि क्या टेनार और इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। हालांकि फील होता है यार, जब हम ब्रेक्स मारते हैं तो लगता है कि हाँ गाड़ी जल्दी रुक रही है, लेकिन ऐसा क्या है कि चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है भाई। हैं चलो लास्ट अटेम्प्ट करते हैं गाइस। लास्ट अटेम्प्ट है हमारा ये। पीछे नो व्हीकल, आगे सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं। पहुंच गया हूं, 108 पहुंच गया हूं। क्या गजब ब्रेकिंग की है भाई। पिछली बार पत्ते के उस साइड निकला था, इस बार पत्ते के पहले आया हूं थोड़ा सा। लेकिन एक चीज है कि इस बार स्पीड भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी, 110 हो गई थी। और एक चीज कंफर्म बता सकता हूँ, कितना भी आपने एबीएस ऑन कर रखा हो, कुछ भी ऑन कर रखा हो, अगर आप 100-150 की स्पीड से अचानक से फ्रंट ब्रेक अप्लाई करोगे सिर्फ, तो स्टॉप ही होनी ही होनी है भाई। इसमें हो रही है। टेनार में ऐसा सीन नहीं था वैसे, लेकिन एक बार आपको स्टेप काउंट करके फिर से दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। चलो थोड़ी सी किंचिप कह सकते हो जिसे, ब्रेकिंग सही हुई है। 110, पिछली बार 103 की स्पीड थी, इस बार 110 की स्पीड थी, तो कह सकते हैं कि हाँ इस बार थोड़ा सा और बेटर ये रुकी है जाके। लेकिन स्टॉप भी रोल करते हुए गई है भाई यहाँ से यहाँ तक। तो गाइस आप लोगों ने रिजल्ट देखे कि हालांकि लीडर क्लास है, हालांकि बीएमडब्ल्यू, हालांकि ब्रेकिंग अच्छी है, बट एज सच उतनी अच्छी नहीं है कि आपने ब्रेक्स मारे और गाड़ी वहीं रुक गई। अगर आप लीडर क्लास बाइक चला रहे हैं, 100 की स्पीड पे हैं, तो इतना प्रिपेयर है कि चलो कि कम से कम आपको 28 से 30 कदम फुट स्टेप काउंट करके 100 की स्पीड पे उतनी ब्रेकिंग करनी है, तब जाके गाड़ी आपकी रुकेगी। अगर आप डबल स्पीड पे हो तो गाड़ी कहाँ रुकेगी, आप ही जानो और गाड़ी जाने और भगवान जाने। सो इसीलिए हमेशा सेफ राइड करो, बाइक्स वगैरह भगाओ अगर शौक है, लेकिन ट्रैक्स पे जाओ
और सेफ्टी के साथ सारी चीज़ें करो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी जान के लिए। इसीलिए मैंने 100 की स्पीड पे आपको ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाया कि अगर आप सिर्फ 100 की स्पीड पे हो, जो कि आजकल एक्सप्रेस वे पर नॉर्मल एक स्पीड है, तो भी आपकी गाड़ी कितनी दूर जाकर रुकने वाली है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। यार गर्मी बहुत है, सांस फूलने लग गई है, पानी की बोतल हम लेके नहीं आए, प्यास इतनी तेज लगी है, और ऊपर से एक दो लोग ऐसे मिल गए हमें जिन्होंने हमारा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद किया, जिसकी वजह से अब हालात एकदम डाउन है। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।